डाला छत महापर्व को लेकर साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा की दृष्टिगत निरीक्षण करने पहुंचे उप जिलाधिकारी बुरहानपुर। बता दें कि आस्था का महापर्व डाला छत मंगलवार नहाए खाए से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पहले से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत व साफ सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद ने पूरा पोखरे पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही साथ उचित साफ सफाई, सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग तथा बिजली व्यवस्था के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया। क्षेत्र के पूरा पोखरे पर छठ महापर्व पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं नगर पंचायत के अधिशासी द्वारा लगातार साफ सफाई तथा रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि उप जिला अधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा। क्या व्यवस्था की गई, क्या क्या इसके बाद? देखिए, ये परंपरागत रूप से हर साल यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता रहा है और यहाँ की जो नगर पंचायत है, ये सब मेरे साथ में है, तो इनको दो दिन पहले मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इसकी साफ सफाई हो जाए, बैरिकेडिंग हो जाए और लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए। तो उसके अनुरूप ही आज नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, इसकी नियमित सफाई कराई जा रही है। बैरिकेडिंग भी इसको कल तक पूर्ण करा लिया जाएगा और लाइट की भी पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे कि सर, आपके पास पोखरे में जल जमाव ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो कैसे सर कंट्रोल किया जाएगा, कैसे सुरक्षा व्यवस्था की? इस बार मेरी सीओ साहब से बात हुई है और मैंने इनसे कहा कि अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता होगी तो गोताखोर भी रखे जाएंगे, बैरिकेडिंग भी हमारे स्तर पर कराई जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहे, कोई पब्लिक को कोई दिक्कत ना आने पाए।